सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो है वीर सपूत, राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे। अगर आपको न पता हो तो आप जल्दी से एक बार शेयर करिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको पता हो तो श्री राम नारायण पांडे जी की एक महाकाव्य है जिसका नाम है हल्दी घाटी। महाकाव्य का नाम है हल्दी घाटी महाकाव्य। उसमें जो है श्री राम नारायण पांडे जी ने लिखा है, क्या लिखा है सुनिएगा। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। फिर से सुनिएगा। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। ये कविता जो है राम नारायण पांडे जी ने अपने महाकाव्य हल्दी घाटी महाकाव्य में लिखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में। और महाराणा प्रताप के बारे में आज हम लोग जानकारी, वीर सपूत महाराणा प्रताप, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारे क्लास में, हमारे चैनल पर, हमारे परिवार में हर टॉपिक पर आपको नॉलेज स्पेशल में आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है महाराणा प्रताप। जैसा कि आप लोग कविता में भी हमने सुना, आप लोगों ने सुना इसको दो तीन बार, अगर आप सुनेंगे तो आपका जिस्म का रोमा रोमा जरूर खड़ा हो जाएगा। तो महाराणा प्रताप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और महाराणा प्रताप वीर सपूत था, और वीर सपूत कहाँ का था, राजस्थान का वीर सपूत था। राजस्थान की मिट्टी में आज भी जो है महाराणा प्रताप के जो कौशल है, उनकी कला है, उनकी युद्ध कौशल और उनकी कीर्तिमान आज भी स्थापित है। वहां की हवाओं में, वहां की गलियों में आज भी महाराणा प्रताप का नाम जिंदा है, और वो जीवन पर्यंत हमेशा जो है जीवित रहेंगे, हम लोगों के हृदय में जीवित रहेंगे। तो आज जो हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, और इनका जन्म जो है इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था, और राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था, राजस्थान में हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। महाराणा प्रताप जो है, चूंकि आप लोग जानते होंगे कि महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, ये कभी किसी के सामने झुके नहीं हैं। अगर जो है आपको बात की जाए तो खानवा का युद्ध, बाबर के समय में खानवा के युद्ध से ही पहली बार राणा सांगा पराजित हुआ था, और राणा सांगा के बाद राजा रावत रतन सिंह जो थे वो चित्तौड़ से पराजित हुए थे। चित्तौड़ उनको छोड़ना पड़ा था। और महाराणा प्रताप की अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह से टक्कर हुई थी, जो कि अकबर के सेनापति थे। और कहा जाता है कि जो है यह युद्ध निर्णय पर नहीं पहुंचा था, यह युद्ध किसके पक्ष में था, ये दोनों चीजें मतभेद हैं। लेकिन जो है, अब चूंकि कुछ लोग मानते हैं कि अकबर की सेना जीती थी, लेकिन अगर सच्चाई बताई जाए तो ना तो अकबर की सेना जीती थी, ना तो महाराणा प्रताप की सेना जीती थी। 20,000 सेना थी, ठीक, राजपूतों की 20,000 सेना जो है मुगलों की 80,000 सेना पर भारी पड़ गई थी, सोच लीजिए। और जबकि मुगलों के पास तोप थे, जो ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, वहां पर जो है सड़क के द्वारा या रास्ते से तोप नहीं लेके जाया जा सकता था, इसीलिए राजपूतों के पास कोई तोप नहीं थी। और मुगलों के पास इतनी व्यवस्था थी कि वो लोग हाथी के ऊपर तोप लाद के लेकर जाते थे। तो सोच लीजिए कि तोप होने के बाद भी जो है वो लोग यह युद्ध नहीं जीत पाए। तो आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा जो है हम आज बताएंगे आपको कि महाराणा प्रताप की क्या गाथा है। इनको जो है बचपन में कीका नाम से कहा जाता था, कीका नाम भी कहा जाता था, राणा कीका, क्योंकि जो है जो कविता अभी हमने आपको सुनाई, मोहित, दीपक, सुनील, गुड मॉर्निंग देवेश, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने जो श्याम नारायण पांडे जी की कविता सुनाई, उस कविता में श्याम नारायण जी ने राणा प्रताप जी को राणा कीका के नाम से भी पुकारा है एक दो जगह। तो इसीलिए जो है इनके बचपन का नाम कीका भी कहा जाता है। और आगे अगर बात की जाए तो 1 जनवरी
1 जनवरी 1597 ईस्वी में यह वीर सपूत, यह उगता हुआ सूरज हमारे जीवन से, हमारे देश से समाप्त हो जाता है और भगवान को प्यारा हो जाता है। लेकिन उसकी यादें, उसकी हर एक कहानी, उसकी हर एक कविता हमारे धैर्य को, हमारे साहस को बढ़ाने के लिए तत्पर रहती हैं। अगर आप खाली हो कभी तो महाराणा प्रताप की एक दो कविता जरूर सुनिएगा, आपके जिस्म में जोश भर जाएगा। तो चलिए आज हम इसी के साथ चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप की पूरी जानकारी कि महाराणा प्रताप कैसे जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक की क्या कहानी थी, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ द स्पीड स्टडी पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सूरवीर महाराणा प्रताप के बारे में। इसके पहले आपको बता दें कि जो है 1 तारीख से जो हमारी सीरीज शुरू होने वाली है जियोग्राफी की, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है 1 तारीख से 3 तारीख तक जो क्वेश्चन बताए जाएंगे, 4 तारीख को जो आपका इनामी क्विज होगा जीतो और खेलो प्रतियोगिता, उसमें जो है यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप 1 तारीख से ज़रूर देखिएगा शाम को 7 बजे द स्पीड स्टडी पर। तो चलिए हम चर्चा करते हैं आगे कि महाराणा प्रताप के बारे में पूरी जानकारी क्या है, कैसे है, सब हम एक लाइन से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ द स्पीड स्टडी पर। तो देखिए, भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में इनका जो है जन्म इतिहास क्या है, आप पहले इसको जानेंगे कि इतिहास क्या है। जो किताबों में लिखा है, जिसे हम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जिसके सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर वो जो हमारे जहन में रहता है, हमारी यादों के दंत कथाओं में उतरता है, जिसकी मिसालें दी जाती हैं, जिसके गीत बाजारों और लोगों की जुबा से सुनाए जाते हैं और जिनको कठपुतलियों के खेलों में दिखाया जाता है, महाराणा प्रताप का इतिहास भी एक ऐसा ही इतिहास है जो लोगों की जुबा से सुनाए जाते हैं और दिलों में जिंदा हैं, जिसकी गूंज आज भी राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानों में मौजूद है। महाराणा प्रताप के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज राजस्थान के शौर्य और वीरता के अनमोल रत्न महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर उसी इतिहास को फिर से दोहराएंगे हम। महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस पर हम उनके जन्म के इस वर्ष में हम उनके इतिहास को फिर से दोहराएंगे। और चलिए हम चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, मतलब कविताएं प्रसिद्ध हैं, कहानियां प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में कई किस्म के मिथक भी सुने जा सकते हैं, मसलन कि उनका भाला जो था वो 80 किलो का था, उनका कद जो था वो 7 फीट का था, और बताइए कि वो 150 किलोग्राम वजनी बख्तर पहनते थे, मतलब जो उनका कवच हुआ करता था वो 150 किलो का था, सोच लीजिए। पर इन सब कहानियों के इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि असल में महाराणा प्रताप कौन थे और उनका इतिहास क्या था। तो आज हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ के बादल महल में विक्रमी संवत 1596 के जेठ महीने उजली तीज के दिन हुआ था, लेकिन ग्रेगेरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो तारीख 6 मई और साल 1540 था। तो मतलब 6 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था, जो कि पाली के सोन गरा चौहान आखेराज की बेटी थी। सुनिएगा क्या बताया हमने, पाली के सोन गरा चौहान आखेराज की बेटी थी। आखेराज चौहान वही आदमी थे जिन्होंने उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी दिलवाने में मदद की थी। पहले बेटे के जन्म के बाद ही उदय सिंह जयवंताबाई से विमुख हो गए थे और राजकुमार होने के बावजूद प्रताप का बचपन बेहद साधारण था। उदय सिंह ने जयवंताबाई को महल में रखने की बजाय उनके रहने की व्यवस्था पास के ही गांव में कर दी थी। प्रताप राजमहल की 4 दीवारी के बजाय महल से बाहर
भील आदिवासियों के साथ बड़े हुए। दक्षिण राजस्थान के भील आदिवासियों की भाषा में छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है और प्रताप इसी नाम से पहचाने जाने लगे। इसलिए अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में महाराणा प्रताप को कई जगह में कीका लिखा है। भीलों के साथ रहने की वजह से प्रताप ने वो चीज़ें सीखी जो वह महल में नहीं सीख पाती। मसलन जंगल के मुश्किल हालातों में जीवन को जीना सीखा महाराणा प्रताप जी ने। कमाल की तीरंदाजी भाला चलाने के शुरुआती गुरु भी प्रताप ने मीलों से ही सीखे। मतलब कि जो भाला चलाने की शुरुआती शिक्षा थी वो महाराणा प्रताप ने ही सिखाई कई लोगों को। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन उदय सिंह ने अपनी रानी धरीबाई, जो कि ये धीरबाई है, धीरबाई के बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन महल के सिसोदिया सरदारों को मुगलों के बारे में पता था, लिहाजा उन्होंने प्रताप को राजगद्दी के लिए ज़्यादा मुफीद समझा। मतलब चूँकि वो जानते थे कि मुगल शासक इतने बेकार हैं, इतने रद्दी हैं कि वो कभी भी आक्रमण करके ले सकते हैं। जैसा कि अगर पिछले इतिहासों पर नज़र डाली जाए तो पहले से ही चित्तौड़ पर थी, मुगलों की जो नज़र थी वो पहले से ही चित्तौड़ पर थी। राणा सांगा को बाबर से खानवा का युद्ध हारना पड़ा था, जबकि राणा उदय सिंह को मुगलों के हाथों चित्तौड़ गंवाना पड़ा था। मुगलों के आक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ था, जिसको सिर्फ प्रताप ही कम कर सकते थे। लिहाजा प्रताप ने मेवाड़ का शासन संभाला और जून 1573 में मानसिंह के सैनिक अभियान से लौट रहे थे। उस समय अकबर के आग्रह पर वो प्रताप से मिलने के लिए उदयपुर गए थे। उन्होंने प्रताप के सामने संधि की बड़ी आकर्षण शर्त रखी। मानसिंह ने प्रताप से कहा कि मेवाड़ के आंतरिक मामलों में अकबर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, उन्हें मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उस समय तक मेवाड़ का ज़्यादातर इलाका मुगलों के कब्जे में चला गया था। चित्तौड़ के किले के अलावा बदनोर, मोडलगढ़, जहाजपुर और रटाला का इलाका जो था वो अकबर के कब्जे में था, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि की शर्त मानने से इनकार कर दी। महाराणा प्रताप ने जब मेवाड़ की गद्दी संभाली, तब तक मेवाड़ का ज़्यादातर हिस्सा उनके हाथों से खिसक गया था। चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बदनौर, रायला और जहाजपुर राणा सांगा के हाथों से जा चुका था। उनके पास कुंभलगढ़, नए बसे उदयपुर और गोमुंदा के इलाके का अधिकार बचा था। ऐसे में महाराणा प्रताप ने गद्दी संभालने के लिए साथ ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने चित्तौड़ के आसपास के सभी खेतों में खड़ी फसलों में आग लगवा दी। उन्होंने ऐलान करवा दिया, क्या ऐलान करवाया सुनिएगा, उन्होंने ऐलान करवा दिया, एक मिनट रुक जाइएगा, उन्होंने ऐलान करवा दिया, क्या ऐलान करवाया सुनिएगा, कि अगर कोई कष्टकार फसल उगाते हुए मिला तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया आगे बताता हूँ मैं। चित्तौड़ और गोमुदा के बीच के सभी कुओं में कचड़ा डलवा दिया गया ताकि मुगल सैनिकों को पानी न मिल सके। मैदानों की सारी आबादी को आरावली के पहाड़ों पर ले गए। महाराणा अब जंग के लिए तैयार थे। हल्दी घाटी का युद्ध, इसके बाद साल 1576 में 18 जून को हल्दी घाटी में मुगलों की सेना और राणा प्रताप की सेना आमने सामने थी। हल्दी घाटी राजस्थान में एक लिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि राजसमंद और पाली जिलों के आपस में जोड़ती है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्दी की जैसे पीली है। मुगलों की सेना की अगुवाई कर रहे थे मानसिंह, और इस बात पर लगातार बहस होती रही थी कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई या महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की, क्या इस पर संशय बना था। इस मुद्दे को लेकर कई तथ्य और रिसर्च सामने भी आए। कहा जाता है कि लड़ाई में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला था। हालांकि आपको बता दें कि यह जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों की 20
देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है कि राजपूतों की सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ी थी, और चूंकि राजपूतों की जो सेना थी वो 20,000 थी और मुगलों की सेना जो थी वो 80,000 थी। वहीं अगर हम आगे बात करें तो इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोलकुंडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया था। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए थे और महाराणा प्रताप को दर बदर की ठोकरें खाने को लिए छोड़ दिया गया था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। मतलब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि महाराणा प्रताप आज तक कभी झुके नहीं, और ये सत्य है कि कभी किसी के सामने झुकिएगा नहीं। फिर से अपनी शक्ति को जुटाने लगे महाराणा प्रताप, फिर से अपनी शक्ति को जुटाने लगे, और इतिहास में सेनाओं की गिनती के अलग अलग मत हैं। वहीं ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉम ने लिखा है कि 22,000 राजपूत 80,000 मुगलों के खिलाफ लड़े थे, साथ ही मेवाड़ की तरफ से तोपों का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ था। खराब पहाड़ी रास्तों से राजपूतों की भारी तोपें नहीं जा सकती थी, और मुगल सेना के पास ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर रखने वाली तोपें थी जो कि लाई गई। हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक किताब अपने पाठ्यक्रम में रखी है जिसमें राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी दिखाया गया है, जबकि इतिहास में मुगलों को विजयी बताया गया है। तो फिर भी ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के बावजूद राणा प्रताप को मुगल कभी पकड़ नहीं सके। ना सिर्फ राणा प्रताप बल्कि राणा के परिवार का भी कोई सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सका। राणा प्रताप एक बार शिकार के दौरान हादसे में घायल हो गए थे, और मेवाड़ का यह सूर्य 19 जनवरी 1597 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। महाराणा प्रताप को सदैव अपने आत्मसम्मान, वीरता, धैर्य और साहस के लिए भारतीय इतिहास में जाना जाएगा। महाराणा प्रताप ने मुगलों के आगे न झुककर एक ऐसी मिसाल पेश की जिसका उदाहरण शायद ही इतिहास में कहीं और मिलेगा। तो महाराणा प्रताप की सोच लीजिए ये वीर गाथा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं, कभी किसी से सिर झुकाकर बात करना नहीं, सदैव अपने धैर्य को, अपने साहस को और अपने रुतबे को बनाकर रखना। तो यही आज महाराणा प्रताप का संदेश है। तो चलते हैं आगे। अगर आप जो है ना जानते हो तो एक बार फिर से बता दें कि जो आपकी सीरीज चलेगी 1 अगस्त से, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक जो भी सीरीज चलाई जाएगी, उसी के बाद जो है 4 अगस्त को आपका जीतो पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता होगी, जिसमें 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।